हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एपेक्स ट्यूटोरियल्स। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारी सीरीज टेंसेस एंड यूजेस का नेक्स्ट वीडियो। बिफोर इट वी ऑलरेडी डिस्कस ऑल द यूजेस ऑफ प्रेजेंट टेंसेस एंड ऑल द यूजेस ऑफ पास्ट टेंसेस। टुडे आई एम स्टार्टिंग यूजेस ऑफ फ्यूचर टेंस, एंड इन दिस सीरीज द वेरी फर्स्ट टेंस इज सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, इट इज यूज टू टॉक अबाउट थिंग्स विच वी कैन कंट्रोल, सॉरी विच वी कैन नॉट कंट्रोल। इट एक्सप्रेसेस फ्यूचर एज फैक्ट। इट इज यूज टू टॉक अबाउट थिंग्स, उन चीजों के बारे में बात करता है, या इस टेंस के अंदर हम उन चीजों के बारे में बात करते हैं जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, यानी हम चाहें तो उन चीजों को नहीं बदल सकते हैं, हमारे हाथ में उनको बदलना नहीं होता है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि फ्यूचर में वो एक फैक्ट है, फैक्ट तथ्य है जिसको बदला नहीं जा सकता। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आई शैल बी 20 नेक्स्ट सैटरडे, मैं अगले सैटरडे 20 साल का होने वाला हूं या होने वाली हूं। एंड इट इज नॉट इन द हैंड ऑफ स्पीकर दैट ही और शी कुड चेंज इट। स्पीकर के हाथ में ये नहीं है कि वो इसको बदल दे, सैटरडे से पहले 20 साल का हो जाए या सैटरडे के बाद 20 साल का हो जाए। तो एक फैक्ट ही है, फ्यूचर का फैक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, इट विल बी दिवाली इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर दिवाली है। तो दिवाली सैटरडे के अंदर होनी है, उसी दिन होनी है। स्पीकर के हाथ में या किसी के भी हाथ में ये नहीं है कि वो दिवाली को आगे या पीछे खिसका दें। तो ये एक फैक्ट है और फ्यूचर का फैक्ट है। ये हम सिंपल फ्यूचर में यूज करते हैं। किसमें? सिंपल फ्यूचर में यूज करते हैं, विल के साथ। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, We use this tense to talk about what we think or believe will happen in future. हम उन बातों को इस टेंस के अंदर करते हैं जिनका हमें अंदाजा होता है, जो चीज हमारे सामने मौजूद होती है उस चीज को देख करके, उन हालात को देख करके हमारी अपनी सोच क्या उसके बारे में बनती है, उसको हम सिंपल फ्यूचर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। फर्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। आई थिंक इंडिया विल विन दिस मैच। मैच चल रहा है इंडिया का किसी भी कंट्री के साथ, क्रिकेट का मैच चल रहा है सपोज दैट, और उस मैच के अंदर जो है जो भी उसके सामने हालात हैं, बैटिंग के, बॉलिंग के, रन रेट के, एवरेज के, विकेट्स के, उनको देख के उसने अंदाजा लगाया और उसका आइडिया, उसका अनुमान ये है कि इंडिया मैच जीत जाएगी। तो आई थिंक के साथ इसको हम शुरू करते हैं और सिंपल फ्यूचर विल विन, विल प्लस वी वन के साथ हमने इसको बनाया है। और इस तरह के सेंटेंसेस हमेशा याद रखिए कि इस तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं ऑफन वो शुरू होते हैं किससे, अक्सर किससे शुरू होते हैं? आई थिंक से शुरू होगा, या आई एक्सपेक्ट, मैं आशा करता हूं, मेरा अनुमान है, आई बिलीव, मुझे ऐसा लगता है, मैं विश्वास करता हूं, प्रोबेबली, संभवतया, एटसेट्रा। इसी तरह के फ्रेज या इसी तरह के वर्ड्स के साथ हम इस सेंटेंस को, इस यूज को शुरू करते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, वी कैन यूज दिस टेंस व्हेन वी डिसाइड टू डू समथिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। हम इस टेंस का यूज सिंपल फ्यूचर का, विल और शैल वाला के साथ वी वन, उसका यूज हम तब भी करते हैं जब कोई हालात हमारे सामने है और उस हालात को देखते हुए उसी टाइम हमने कुछ करने का निर्णय लिया है, कोई हमने डिसाइड किया है, डिसीजन लिया है कि अब हम ये काम करेंगे। इसको इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं, इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है अभी बोलते टाइम, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है तो क्या करें? आई विल टेक एन अम्ब्रेला, मैं एक छाता लूंगा या मैं एक छाता लूंगी। नेक्स्ट वी सी दैट इज गोइंग टू। गोइंग टू का यूज भी हम सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर के लिए ही करते हैं, फ्यूचर के लिए गोइंग टू का यूज किया जाता है। लेकिन ध्यान रखें कि इसमें और इसमें डिफरेंस होता है, अभी बताता हूं क्या डिफरेंस होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी पॉइंट नंबर पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट दैट इज फोर, वी यूज द गोइंग टू फॉर्म व्हेन वी हैव डिसाइडेड टू डू समथिंग बिफोर टॉकिंग अबाउट इट। तो यही जो मैं डिफरेंस की बात कर रहा था वो ये है कि जब हम
पहले से कोई काम करने के लिए डिसाइड कर लेते हैं, जब हम प्री डिसाइडेड होते हैं किसी भी चीज को लेकर के, तो तब हम गोइंग टू का यूज करते हैं। इसमें और इसमें फर्क ये है कि इंस्टेंट डिसीजन इसमें जो लिया जाता है, हालात को देख करके, हालात के मद्देनजर उनको सामने रखते हुए जो इंस्टेंट डिसीजन लिया जाता है उसको हम सिंपल फ्यूचर में बनाते हैं। लेकिन जो प्री डिसाइडेड है, ऑलरेडी जिसको डिसाइड कर लिया और उसकी हम तैयारियां भी कर चुके हैं, उसको हम गोइंग टू के साथ में यूज करते हैं। जैसे हैव यू डिसाइडेड व्हाट टू डू, क्या आपने तय कर लिया है क्या करना है। एक क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन चल रही है, बातचीत चल रही है, बातचीत चलते चलते एक सवाल पूछा गया, हैव यू डिसाइडेड व्हाट टू डू, क्या आपने तय कर लिया क्या करना है। यस आई एम Going to resign the job, मैं जॉब से इस्तीफा देने जा रहा हूँ। Already decide कर चुका है कि मैं इस जॉब से इस्तीफा देने जा रहा हूँ। Going to के अभी और भी uses हैं और दूसरी phrases भी हैं जैसे about to वगैरह है। We will keep cut. Next हमारा point है, We also use the going to form to talk about what seems likely or certain when there is something in the present which tells us about the फ्यूचर। यानी प्रेजेंट में हमारे सामने कुछ इस तरह के ऐसे हालात हैं कि जिनको देख के हमें लगता है कि कोई चीज़ होने वाली है, हमारा अनुमान है, आइडिया है, या सर्टेन है वो होना है, या लाइकली, सीम्स लाइकली और सर्टेन, या तो सर्टेन है निश्चित रूप से वो होने वाली है, या बस वो ऐसा लगता है कि ऐसा होगा, है ना। तो उसको एग्जाम्पल से देख लेते हैं इसको कैसे। इट इज़ गोइंग टू रेन, वर्षा होने वाली है। लुक एट द क्लाउड्स, वर्षा होने जा रही है या वर्षा होने वाली है। लुक एट दोस क्लाउड्स, बादलों को देखो, आसमान में बादल आ गए हैं, और जब आसमान में बादल आ गए हैं तो बादलों से इस तरह के बादल हैं और ऐसी ह्यूमिडिटी या ऐसा मौसम बन गया है जिससे ये लगता है कि बारिश होने वाली है। तो प्रेजेंट का जो कंडीशन है उसको देखकर भी हम गोइंग टू के साथ यूज कर सकते हैं। इट इज गोइंग टू रेन, लुक एट दोस क्लाउड्स। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं, शी इज गोइंग टू हैव अ बेबी, लेडी प्रेग्नेंट है। अब प्रेग्नेंट है तो जाहिर सी बात है, तो शी इज गोइंग टू हैव अ बेबी। प्रेजेंट में हमारे सामने जो सिम्टम्स हैं या हमारे सामने जो हालात हैं उन्हें देखकर हम गोइंग टू के साथ फ्यूचर जो सर्टेन है, होने वाला है, या सीम्स लाइकली टू बी, यानी ऐसा लगता है कि ऐसा, यानी ज़्यादा चांसेस हैं ऐसा होने के, उसको हम गोइंग टू के साथ बना सकते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, द गोइंग टू फॉर्म मे ऑल्सो एक्सप्रेसेस एन एक्शन विच इज ऑन द पॉइंट ऑफ हैपनिंग विद इन सेकेंड्स, एक दो सेकेंड के अंदर, या विद इन मोमेंट, एक दो पल क्षण के अंदर कोई काम होने वाला है, बिल्कुल एकदम इमीडिएट फ्यूचर है, एकदम इमीडिएट फ्यूचर है, उसको भी हम गोइंग टू के साथ एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे लेट्स गेट इन टू द ट्रेन, इट इज गोइंग टू लीव, ट्रेन स्टार्ट हो चुकी है, इंजन विशिल दे रहा है। जब ट्रेन स्टार्ट हो गई, इंजन विशिल दे रहा है, तो क्या हुआ, ट्रेन एकदम से बस छूटने वाली है या छूट रही है। तो लेट्स गेट इन टू द ट्रेन, जिसको उस ट्रेन में जाना है वो कह रहा है कि आओ जल्दी से ट्रेन में बैठ लेते हैं, बस छूटने वाली है। बी देखते हैं, लुक द क्रैकर इज गोइंग टू एक्सप्लोड, क्रैकर को देखो, पटाखे को देखो, द क्रैकर इज गोइंग टू एक्सप्लोड, देखो द क्रैकर, पटाखा जो है फूटने वाला है, यानी हट जाओ, आग लग गई है। जब उसमें आग लग गई है और धीरे धीरे वो बाती होती है उसकी छोटी सी, उसमें आग लगते जा रही है, तो पटाखा बस फूटने वाला है। वो अलग बात है कि वो पटाखा फूटे या ना फूटे, लेकिन चांसेस ऐसे ही हैं, ज़्यादा चांस जो है उसके फूटने के है, क्योंकि उसमें आग लग चुकी है। बी अबाउट टू, इसी इमीडिएट फ्यूचर को, इसी को बी अबाउट टू के साथ भी हम जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं। और कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं देखते हैं, बी अबाउट टू प्लस बेस फॉर्म कैन ऑल्सो बी यूज फॉर द इमीडिएट फ्यूचर, वही जो पीछे भी यूज हमने पढ़ा है, इसी को बी अबाउट टू से भी हम लोग जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं। बी अबाउट टू के साथ बेस फॉर्म, जिसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी हम कहते हैं, उसका यूज करके भी हम लोग जो है इमीडिएट फ्यूचर को एक्सप्रेस कर सकते हैं।
जैसे लेट्स गेट इनटू ट्रेन, उसी को मैंने लिख दिया है दोबारा से और ज्यादा बेहतर तरीके से, ज्यादा अच्छे तरीके से समझने के लिए वही पिछला सेंटेंस दोबारा से फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया है। लेकिन यूज जो किया गया है यहाँ पे वो गोइंग टू का यूज नहीं किया गया है, अबाउट टू का यूज किया गया है। लेट्स गेट इनटू ट्रेन, आओ जल्दी से ट्रेन में बैठो, इट इज अबाउट टू लीव, ये छूटने वाली है, चलने वाली है। एक और यूज मैंने, एक और सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिया है, डोंट गो आउट नाउ, अब बाहर मत जाना, वी आर अबाउट टू हैव लंच, हम लोग लंच करने वाले हैं, यानी तुम्हें भी हमारे साथ लंच करना है, तुम अब बाहर मत जाना क्योंकि हम लोग लंच करने वाले हैं, यहीं रहो, हमारे साथ लंच करना है आपको। सिंपल प्रेजेंट को भी हम लोग फ्यूचर में यूज कर सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट का यूज फ्यूचर में भी होता है, हमारा पॉइंट नंबर 8 है, द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज फॉर ऑफिशियल प्रोग्राम्स एंड टाइम टेबल्स। लेकिन कब, जब कोई ऑफिशियल प्रोग्राम है, बात तय कर दी गई है, डिसाइड हो गया है, या कोई टाइम टेबल है कि रोजाना उस टाइम टेबल से वो बात होनी है, जैसे किसी डॉक्टर की दुकान है वो रोजाना 9 बजे खुलती है, तो उसको हम सिंपल प्रेजेंट में भी कह सकते हैं कि इट ओपन्स एट 9 AM इन द मॉर्निंग। यहाँ पे दो सेंटेंसेस जो मैंने लिए हैं उनको देख सकते हैं, द कॉलेज ओपन्स ऑन 1st April, कॉलेज को खुलना है, ये एक ऑफिशियल प्रोग्राम है कि किस दिन उसे खुलना है, किस दिन वो खुलने वाला है, तो द कॉलेज ओपन्स ऑन 1st April, कॉलेज 1st April को खुलने वाला है। द फिल्म स्टार्ट्स एट 9 एंड फिनिशेस एट 11:30, ये टाइम टेबल है, ये उस फिल्म का टाइम टेबल है, वो 9 बजे शुरू होती है और 11:30 पे फिनिश हो जाती है, खत्म हो जाती है। आइए अपने नेक्स्ट यूज की ओर चलते हैं। This is the last point in this section, and that is we use this tense when we talk about something that we have planned to do. ये अभी हम जो है पीछे going to में इस use को पढ़ करके आए हैं। Going to में भी हमने पढ़ा था कि जब हमने किसी चीज़ को करने की पहले से planning कर ली है, तैयारियाँ कर ली हैं, तो हम उसे going to के साथ बनाते हैं। लेकिन going to भी चूँकि एक present continuous का ही हिस्सा है, तो इसीलिए यहाँ पे एक going to का sentence मैंने लिख दिया है, एक present continuous लिख दिया है कि we use this tense when we talk about something that we have planned to do, जिसे करने का हम प्लान कर चुके हैं, पूरी तरह से हमने प्लान कर लिया है करने का, उसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी लिख सकते हैं। आई एम गोइंग टू शिमला टुमोरो, ये फ्यूचर है, लेकिन आई एम गोइंग टू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अंदर जो है हमने इसको लिया है, आई एम गोइंग टू शिमला टुमोरो। वी आर ईटिंग आउट टुनाइट, आज रात हम लोग बाहर खाना खा रहे हैं, ठीक है ना, दिस वॉज लास्ट। नाउ वी मूव टू अवर नेक्स्ट यूज, दैट इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। हमारा नेक्स्ट टेंस है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। पॉइंट नंबर 1, वी यूज इट टू टॉक अबाउट एक्शंस विच विल बी इन प्रोग्रेस एट अ टाइम इन फ्यूचर। हम इस टेंस को यूज करते हैं कब, जब हम उन एक्शंस की बात करते हैं जो फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर टाइम पे प्रोग्रेस में होंगी या चल रही होंगी। फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर टाइम पे वो एक्शन चल रहा होगा, उसके लिए हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, आई सपोज इट विल बी रेनिंग व्हेन वी स्टार्ट, मुझे लगता है या मेरा मानना है कि जब हम शुरू करेंगे तो बारिश हो रही होगी। B, this time tomorrow I will be sitting on the beach in Singapore. इस समय मैं सिंगापुर बीच पर बैठ रहा हूँगा। तो वही है, कल इस समय यहाँ पे पर्टिकुलर टाइम आ गया फ्यूचर का, और वी स्टार्ट यहाँ पे पर्टिकुलर टाइम आ गया फ्यूचर का। ये तो फ्यूचर के पर्टिकुलर टाइम आ गए और उस टाइम पे फ्यूचर का वो एक्शन वहाँ पे चल रहा होगा, तो उसको हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में यूज करते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, वी ऑल्सो यूज दिस टेंस टू टॉक अबाउट एक्शंस इन द फ्यूचर विच आर ऑलरेडी प्लान्ड और विच आर एक्सपेक्टेड टू हैपन नॉर्मली। इसे हम पीछे भी पढ़ के आ चुके हैं गोइंग टू के साथ, फ्यूचर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी हम इसको पढ़ के आ चुके हैं।
इसी को हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में भी यूज करते हैं. वी ऑल्सो यूज दिस टेंस टू टॉक अबाउट एक्शंस. उन एक्शंस के बारे में बात करते हैं इन द फ्यूचर विच आर ऑलरेडी प्लान्ड, जिनको पहले से प्लान कर लिया गया है. हमारी प्लानिंग हो चुकी है, हमारी तैयारियां हो चुकी हैं उस काम को करने की, और विच आर एक्सपेक्टेड टू हैपन नॉर्मली, या वो नॉर्मली होने वाली है, नॉर्मल तरीके से, नॉर्मल कोर्स में वो चीजें होने वाली है. एग्जाम्पल देख लेते हैं. आई विल बी स्टेइंग हियर टिल संडे, संडे तक मैं यहाँ ठहर रहा हूँ. ये ऑलरेडी प्लान हो चुका है. टिल संडे, ये ऑलरेडी प्लान हो चुका है. सो आई विल बी स्टेइंग हियर टिल संडे, संडे तक मैं यहाँ पर ठहर रहा हूँ. नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही विल बी मीटिंग अस नेक्स्ट वीक, वो हमसे अगले हफ्ते मिल रहा होगा. नेक्स्ट वीक की बात आती है तो यानी ऑलरेडी प्लान है, पहले से प्लान हो चुका है कि वो नेक्स्ट वीक मिलने जा रहा है. एक बी टू का हमारा यूज होता है, बी टू के यूज को भी हम इसमें कर लेते हैं. फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के साथ साथ बी टू, वो भी उसी सेंस में यूज होता है. इसके दो एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हैं. बी टू को यूज करते हैं बी टू प्लस बेस फॉर्म, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसको हम बोलते हैं, टू टॉक अबाउट ऑफिशियल प्लान्स और एंड अरेंजमेंट्स. ऑफिशियल प्लान्स एंड अरेंजमेंट्स को हम लोग जो है इस ऑफिशियल प्रोग्राम और टाइम टेबल को प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी पढ़ करके आए हैं. द प्राइम मिनिस्टर इज टू विजिट अमेरिका नेक्स्ट मंथ, यानी कि ये बिल्कुल एक जो है ऑफिशियल प्लान है प्राइम मिनिस्टर का जाने का. अच्छा, जब इसकी इसको फॉर्मल वे में यूज करते हैं, फॉर्मली यूज किया जाता है. जनरली इसको न्यूज़पेपर्स में यूज किया जाता है और न्यूज़पेपर बी को हटा देता है, न्यूज़पेपर बी को हटा देता है और वो ऐसे लिखता है प्राइम मिनिस्टर टू विजिट अमेरिका नेक्स्ट मंथ. वो इसको हटा देता है न्यूज़पेपर वाला. नेक्स्ट मैंने एग्जाम्पल लिखा यहाँ पे, द कॉन्फ्रेंस इज टू डिस्कस न्यूक्लियर टेस्ट. कॉन्फ्रेंस होने वाली है या हो रही होगी, क्या डिस्कस करने के लिए? न्यूक्लियर टेस्ट डिस्कस करने के लिए, ठीक है ना. तो ये हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस था, इसके अंदर यही तीन पॉइंट थे. अब हमारा नेक्स्ट टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस. हमारा सेकेंड लास्ट टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस. तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज हम पढ़ लेते हैं. इट इज यूज टू टॉक अबाउट एक्शंस दैट विल बी कंप्लीटेड बाय अ सर्टेन फ्यूचर टाइम. तो ये यूज होता है कब? एक परफेक्ट पॉइंट ऑफ टाइम पे फ्यूचर में जो एक्शन कंप्लीट हो रहा है, एक परफेक्ट पॉइंट ऑफ टाइम, ये हमें ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है. विल बी कंप्लीटेड बाय अ सर्टेन फ्यूचर टाइम, एक सर्टेन निश्चित फ्यूचर टाइम पे, परफेक्ट पॉइंट ऑफ टाइम पे जो एक्शन कंप्लीट हो रहा है उसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर एक्सप्रेस करते हैं. यूज देख लीजिएगा. आई शैल हैव रिटन माई एक्सरसाइज बाय देन. तो यहां पे बाय देन जो दिया हुआ है वो सर्टेन फ्यूचर टाइम दिया गया है. सर्टेन फ्यूचर टाइम तक मेरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी. I shall have written my exercise. मैं अपनी exercise, अपना अभ्यास लिख चुका हूँगा by then, तब तक. By the end of this month, I will have worked here for 5 years. Next use है हमारा, next sentence है, example है. By the end of this month, तो by the end of this month जो है ये सर्टेन फ्यूचर टाइम दिया गया है और इस सर्टेन फ्यूचर टाइम पे आई विल हैव वर्क हियर फॉर 5 years, मुझे यहाँ काम करते हुए 5 वर्ष हो जाएंगे. नेक्स्ट एंड इट इज लास्ट, एंड बिफोर स्टार्टिंग इट आई शुड टेल यू कि ये बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है, ये टेंस हमारा बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन टेंस है और उसका यूज भी है. इट इज यूज फॉर एक्शंस विच विल बी इन प्रोग्रेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट विल एंड इन फ्यूचर. इन दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि वो सर्टेन फ्यूचर टाइम की बात करता है, ये पीरियड ऑफ टाइम की बात करता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम की बात करता है. Will end in future, और ये भी फ्यूचर में एंड होगा लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. इसमें पीरियड ऑफ टाइम है, उसमें सर्टेन फ्यूचर टाइम है, दोनों में यही डिफरेंस है. तो एग्जाम्पल देख लेते हैं. By next March we shall have been living here for 4 years. अगले मार्च तक we shall have been living here, हम यहाँ पर
रह रहे होंगे फोर फोर ईयर्स चार वर्षों तक, या हमें यहाँ पर रहते हुए चार वर्ष हो जाएंगे बाय नेक्स्ट मार्च। तो ये पूरा ड्यूरेशन है, ये फोर ईयर्स का जो है ये पूरा ड्यूरेशन लिया गया है, बाय नेक्स्ट मार्च भी उसमें इंक्लूड है। तो नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 20 ईयर्स नेक्स्ट जुलाई। आई हैव बीन टीचिंग फॉर 20 ईयर्स, 20 ईयर्स जो है ये यहाँ पे सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम ना हो करके पीरियड ऑफ टाइम है, नेक्स्ट जुलाई भी उसमें इंक्लूडेड है, अगली जुलाई तक मुझे पढ़ाते हुए 20 वर्ष हो जाएंगे। सो दीज वर द टेंसेस, फ्यूचर टेंसेस, ऑल द फ्यूचर टेंसेस, एंड आई हैव डिस्कस द यूजेस ऑफ फ्यूचर टेंसेस विद यू, होप यू अंडरस्टूड वेल। मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में अच्छी तरह से आया होगा, और अगर नहीं आया है तो आई रिक्वेस्ट यू एक दो बार और वीडियोस को देख लीजिए, आपकी समझ में सब कुछ बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा। टेंस को पढ़ने का फायदा तभी होता है जब हम उसे पूरे उसके यूजेस को अच्छी तरह से पढ़ लें और उसे यूज करना हमें आ जाए। फॉर मोर वीडियोज कीप वॉचिंग अपैक्स ट्यूटोरियल्स। थैंक यू। इफ यू लाइक द वीडियो, subscribe our channel and press bell icon to get the notification of new videos. Thank you.